अगर हम पर डे वीडियो बनाए तो एक दिन में 30-40 ऑक्शन होते हैं। सिर्फ ये 30-40 ऑक्शन में आपको बता दूं सर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो ऑक्शन है। अगर हम नॉर्मल ऑक्शन की बात करें तो 150 ऑक्शन, 150 से 200 ऑक्शन पर डे होता है। तो देखिए हमारा मेन है, ये नहीं कहता हूँ सर कि आप जबरदस्ती आइए और मेरा क्लाइंट मुझे, नहीं, आप चीजों को समझिए, खुद कीजिए ना भाई, अगर आपके पास टाइम है। आपने भी याद होगा, आपने भी वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू रजिस्टर, आपने एक वीडियो डाला हो कि आप ऐसे रजिस्टर्ड करें, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, बस वही चीज है। और हमने भी डाला हुआ है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक ही मकसद है, जो यंगस्टर है हमारे, उनके पैसे बर्बाद ना हो, उनके जो पैसे, जो ये माल आके रह जाए। हाँ, और 100% जितने, दीपांकर जी मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जितने भी माल पहली दफा जो इंपोर्ट कर रहे हैं, 90% वही गड़बड़ी होती है और पहली दफा वाला माल फंस जाता है। दूसरा, कुछ कोविड को लेकर के भी ऐसा हुआ कि माल काफी ज्यादा फंस गए कोविड में आया, लोग क्या हुआ कि कई बार कुरियर फंस गया, उस चक्कर में महीनों हो गए, और कई बार क्या हुआ कि यहाँ से पेमेंट चला गया, वहां अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाए, और कई के ऑनर एक्सपायर कर गए जिनको वहां से डॉक्यूमेंट भेजना। तो ऐसा बहुत सारा मिसहैपनिंग हुआ इस कोविड में, जिसके लेकर के बहुत सारा, आज भी मैं ऑन कैमरा ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा माल पड़ा हुआ है अभी भी, और ये कोविड को लेकर के बहुत लोगों ने छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास ऐसे क्लाइंट आए दीपांकर जी जिन्होंने 6 कंटेनर का लॉट है, 2 कंटेनर का लॉट, 5 कंटेनर का लॉट, सर मैंने ड्यूटी पे कर दिया बट मेरा बीएल नहीं आया, सप्लायर से झगड़ा हो गया, या सप्लायर को हमने पेमेंट नहीं किया। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल टर्म में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम कुछ इंपोर्ट करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, 30% हमने पैसा भेजा, 70% उधार होता है। जब माल पहुंचाता है तो हम 70% भेजते हैं, उधर से वो डॉक्यूमेंट भेजता है। डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड होता है, बीएल, बाकी तो मेल पे काम चल जाएगा, लेकिन जो बीएल है या तो ओरिजिनल चाहिए या टैलेक्स चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होता है, जब तक आप उनको फुल पेमेंट रिसीव नहीं होगा, वो आपको ना बीएल ओरिजिनल भेजेंगे ना टैलेक्स भेजेंगे, और आप यहाँ कस्टम ड्यूटी पे भी कर देते हैं, कस्टम क्लियरेंस भी हो जाएगा, तो अगर बीएल आपके पास, डिलीवरी ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो माल फिर से ऑक्शन में चला जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यंगस्टर को हमें ही समझाना है, नहीं तो क्या होगा, इसी तरह भूलते भटकते रहेंगे। बहुत सारे टीचर हैं जो कि ये सिखाने के लिए कोई 20,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, और ये भी है, वो टीचर तो है, मैंने देखे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, वो प्रैक्टिकली अगर हम नॉलेज की बात करें तो उनको जीरो होगा, उनको ऊपर से बस मोटा मोटा पता है किस तरीके से ये काम करना है, हाउ टू चूज प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड बायर्स, पर इतना ही है, बट अंदर का उनको पता नहीं कि अंदर जाके कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, शिपिंग बिल में रॉट टेप हो गया आपका, दूसरी स्कीम्स चल रही है, किस तरीके से उसका बेनिफिट लेना है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है, या आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो किस कंट्री से कर रहे हैं, उस पे कौन सा बेनिफिट अवेलेबल है। जैसे आप साउथ अफ्रीका से कर रहे हैं, या आप ये श्रीलंका से कर रहे हैं, उस पे कैसे ड्यूटी का बेनिफिट लेना है, या आप अफगानिस्तान से कर रहे थे, जैसे पहले ड्राई फ्रूट आते थे अफगानिस्तान से, ड्यूटी नील हो जाती थी नोटिफिकेशन लगा के, श्रीलंका से, तो अगर उसको पता ही नहीं है ये सारी चीजें तो वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएगा। अब आप मान लीजिए कि एक ड्राई फ्रूट का इंपोर्टर अफगानिस्तान से है, वो अगर एक नया है तो उसको तो ड्यूटी खत्म, ड्यूटी नील का उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या जोड़ेगा उस पर, तो खर्चा वो ड्यूटी के साथ जोड़ेगा, तो वहां पर वो इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत सारी जो नॉलेज है हमारे युवाओं को जरूरत है, और हम लेके, और हमारा यही प्रयास है कि हम इन सब चीजों का क्लेरिफिकेशन लेके हम धीरे धीरे आते रहें, ताकि हमारे युवा जो हैं वो फ्री में अच्छे से सीख पाए। और आपने शायद एक वीडियो भी देखा होगा कि हाउ टू लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमने एक सीरीज शुरू किया है, धीरे धीरे हमारा यही मकसद है कि हम सिखाएं। और दूसरा दीपांकर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने एक बहुत सस्ता, देखिए फ्री के लोगों, फ्री के चीजों का ना लोगों का अहमियत वैल्यू नहीं होती, फ्री नहीं होती है ना, बिल्कुल पैसा देते हैं तो बंदा लगा के करता है। तो हमने एक कोर्स डिसाइड किया है कि मात्र 2,000 से 2,500 रुपए में, 2,500 रुपए में एक हम कोर्स करेंगे, एक हफ्ते का जो होगा, एक एक घंटे का, एक हफ्ते का हम कोर्स रखते हैं, और हमने टोटल 20 से 25 पीपीटी तैयार किया हुआ है, सारे जो डॉक्यूमेंट कंप्लायंस होते हैं, या एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो नॉर्मल तरीके से होता है, मैं कोई किताबी नॉलेज नहीं दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज, अगर एक बच्चा है उसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, जैसा कि आपने बताया कि हाउ टू फाइंड बायर, अब लोग तो ये सिखाते हैं ऑनलाइन जाओ, गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब कहीं कहीं बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली के लिए बहुत सारे डेटा की कंपनी है, आप एक्सपोर्ट का भी डाटा निकाल सकते हैं, इंपोर्ट का भी निकाल सकते हैं, और एंड ऑफ द डे यही जेन्युइन होता है। हाँ, उसमें जेन्युइन और फेक को कैसे पहचाने, तो वो
हम भी आपको डाटा, बहुत सारी कंपनियों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम भी क्या होता है इंपोर्ट का डाटा एक्सपोर्ट का डाटा आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब डाटा तो आप मार्केट से ले लेंगे लेकिन जब तक उस डाटा को एनालाइज करने आपको नहीं आएगा तब तक वो आपके लिए जीरो है, नल, नथिंग है। तो हम यही प्रिक्योर करते हैं कि अगर हम आपको डाटा भी दे रहे हैं तो पहले समझाएं कि आप उसको गवर्नमेंट के व्यू से कैसे चेक कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है या जेन्युइन है। तो यही सब है। और धीरे धीरे सर देखिए एक ही मकसद एक ही है कि कोई हमें किसी से पैसे नहीं लेने, हमें ये जानना है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के कारण, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के कारण वो अपना लॉस ना करा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक इनवॉइस में अगर एक इनवॉइस नंबर में मिस्टेक हो जाएगी तो पूरी शिपमेंट रुक जाएगी आपकी। अब मैं आपको बता दूं 10-15 दिन पहले एक कलकत्ता का इंपोर्टर है जो एक इंपोर्ट करते हैं डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट, डॉग का एसेसरीज वगैरह। अब उन्होंने बोला कि सर मेरा पहले कस्टम क्लियरेंस हुआ है, ये मेरा कस्टम क्लियरेंस होना है, और उन्होंने भेज दिया। उनको पता ही नहीं इनवॉइस क्या होता है, पैकिंग लिस्ट क्या होता है। मैंने उनको समझाया, देखिए कोई भी अगर आप पहले इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट का नॉलेज बहुत जरूरी है, नहीं है तो आप फंस जाएंगे। आपको एक एक दिन का पेनल्टी 10-10 हजार देना ही पड़ेगा। कोई भी CHA आपके 5,000 और 10,000 रुपए के लिए अपना लाइसेंस सस्पेंड नहीं कराएगा। पहले लाइसेंस बहुत आसानी से मिलता था बट अब लाइसेंस बहुत महंगा हो चुका है, उसके लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका काम ढंग से हो तो पहले आप समझिए, अगर आप मान लीजिए लाखों रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने नॉलेज के ऊपर अपना टाइम दीजिए और नॉलेज को गेन कीजिए कि हाँ यदि हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है। इनवॉइस जैसा कि आपने बताया, इनवॉइस में अगर कुछ त्रुटि है, उसमें इनवॉइस नंबर ही नहीं है, इनवॉइस डेट ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है या कुछ भी ऐसा है तो वो नहीं काम करेगा। BL है, BL में क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इनवॉइस में क्या होना चाहिए, ये सारा चीज आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को पैसे दें, आज ये सब चीज एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वहां पे आप हर चीज सीख सकते हैं। और जैसे दीपांकर जी कर रहे हैं, इनके जैसा मतलब आप सोचिए कि अपना जॉब तक छोड़ करके इस काम में लगे हुए हैं ताकि जो हमारे युवा हैं वो कुछ अच्छा कर सके। आप समझिए चीजों को, हमारा हमारा जो जो कंपटीशन किससे है, हमारा मेरा तो चाइना जैसे कंट्रीज़। मेरा तो ये रहता है, देखिए मैं कुछ सिखाता नहीं, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने किया हुआ है मैं सीधा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भैया मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे इसके बारे में पता है और ये तरीका है करने का। मैं देखिए दूसरे ट्रेनर्स की तरह ना मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ ना किसी को कोई कोर्स दे रहा हूँ, बिल्कुल मुझे सिखाना आता भी नहीं है, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो नोटिफिकेशन के बारे में, जिस कंप्लायंस के बारे में मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, एक तो किताबी ज्ञान कि हाँ जी आया कोई बता के चला गया पल्ले पड़ा नहीं, बट एक होता है एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं भी बहुत बड़ा कोई मतलब पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा वो नहीं हूं, तोप नहीं हूं कि मैं आपको एक्सपर्ट की सलाह दे दूंगा, लेकिन नहीं हमने क्या हुआ है 15-15 साल इसमें अपनी चप्पलें घसी है, हम वही एक्सपीरियंस आपको देते हैं कि हाँ जो हमने करके निकला हुआ है। सबसे बड़ी बात हाँ, क्या ये जो किताबी चीजें लोग सिखाते हैं ना वो हाँ, हर 2 दिन में तो यहाँ चीजें चेंज हो जाती है। क्या सिखाओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपने एक चीजें सिखा दी कि हाँ भाई इस कंट्री से आप करोगे तो वो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, चलो वो बता भी दिया, बस किस तरीके से मिलेगा ये तो नहीं पता है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी नहीं पता है, बट आपको पता रहेगा जब तक आप लोग करने जाओगे एक साल बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट वही कैंसिल हो गया। कोविड के बाद से या कोविड के पहले की भी बात करें तो चाइना के प्रति एक पूरे विश्व में एक आक्रोश का माहौल है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रोइंग कंट्री है वो इंडिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो चाइना के बाद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आ रहा है, नेक्स्ट वर्ल्ड फैक्ट्री इंडिया बनने वाली। बिल्कुल 2014 से अगर हम 20 की डाटा निकालेंगे ना तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत में मशीनों की हुई है, नई से लेके पुरानी तक, ठीक है। लेकिन देखिए मशीने तो आ गई, लेकिन पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके युवाओं का जो माइंड सेट है ना, आपके युवाओं का क्या माइंडसेट है कि मेरा फैक्ट्री होगा तभी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाइना का यहां पे तारीफ करना चाहूंगा और बताऊंगा हमारे युवाओं को वहां से सीखने की जरूरत, सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है कि हमारा युवा ये चाहता कि फैक्ट्री होगा तब, लेकिन वहां एक फैक्ट्री है और 20 लोग उसमें लगे हुए हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि उनको नॉलेज है प्रॉपर। आप एक मान लीजिए कि वहां का अगर एक शहर है, उस शहर में कम से कम 50-60% लोगों को पता है कि
व्हाट इज एक्सपोर्ट, उसका बेनिफिट क्या है, उस पे जो सरकार से प्रोत्साहन शुल्क मिलता है वो कितना है, और उसके बारे में जानते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो विदेशी मुद्रा आएंगे हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और एक 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 हेल्प होगा हमारे देश बढ़ेगा। लेकिन हमारे युवाओं को ये चीज पता नहीं है। अब हमारे युवा क्या है कि जिस तरह से वहां अवेयरनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका पूरे भारत का 5% जनता नहीं होगा जिसको पता होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, कंटेनर डिपो क्या है, फ्रेट स्टेशन क्या है, ये फ्रेट क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, कस्टम क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो हमें क्या है, आपके जैसे लोगों की जरूरत है जो अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, हमारे युवाओं तक पहुंचा रहे हैं चीजें कि हाँ ये हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें अगर नॉलेज है प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो हम एक ही फैक्ट्री से माल, 10 फैक्ट्रियों से माल खरीद के हम बेच सकते हैं। 90% जो है आज भी अपने देश में मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर नहीं है, 90% ट्रेडर मर्चेंट एक्सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को और समझाने की जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे, और ये और सरकार को भी। देखिए सरकार अगर किसी चीज में सब्सिडी लेके आ रहे हैं, अभी वैसे सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए रिसेंटली, मेरी जितनी रिसर्च है उसके ऊपर, स्टार्टअप इंडिया करके उनका वेबसाइट है, और आप मानोगे नहीं, मतलब आज की डेट में सरकार ने इतनी सारी चीजें ऑनलाइन कर दी है। मतलब पहले क्या होता था, बड़ा बुरा सा उनका वेबसाइट होता था, कुछ दिखता नहीं था बिल्कुल, बट अभी क्या कि कॉस्मेटिक्स का एक मेरा इंपोर्ट मैंने कभी किया नहीं है, तो कॉस्मेटिक की मेरे को क्वेरी थी, तो मैंने गूगल किया तो प्रॉपर उनकी वेबसाइट खुल के आई सरकार। मतलब गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है स्टार्टअप इंडिया करके, उन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया है, वहां पे सारे जितने जिस फील्ड से रिलेटेड जितनी स्कीम्स है ना, सारी स्कीम्स उन्होंने प्रॉपर एक अच्छे ग्राफिकल वे में, मतलब एक अच्छी वेबसाइट होती है वैसे दे रखा है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्टेप्स ले रही है, बट वो ये कि उस लेवल तक नहीं जा सकती। बिल्कुल सराहनीय कदम है। अब आप एक चीज बताइए, मैं एक चीज और आपको बता दूंगा कि जहां पे आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इस तिमाही में और इस मतलब ये दोनों क्वार्टर को अगर देखा जाए तो भारत टॉप एक्सपोर्ट किया है अभी तक का। और दूसरा चीज एक जान लीजिए कि कंट्री आपका जो चाइना के बाद जो दूसरा वर्ल्ड की एक तरह से देखा जाए तो अगर हथियार को छोड़ दिया जाए तो दूसरा आपका इकोनॉमी बनने जा रहा है जो एक्सपोर्ट के मैटर में, और आपके ऊपर डिफेंस में भी, मैं मेरा एक वीडियो चल रहा है डिफेंस के ऊपर, डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर, किस तरीके से इंडिया पहले डिफेंस इंपोर्ट करता था, इस टाइम पर डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी जो हमारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज है उसको किस तरीके से काउंटर कर रहा है चाइना को, बिल्कुल वो भी अभी उसमें भी है। अच्छा दूसरा चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा, आपका देश जब इतना ग्रोइंग हो रहा है, विकसित हो रहा है, और आपको पता है कि आपके देश का 100% जो शिपिंग कैपेसिटी है और जो शिपिंग लाइंस हैं, इस पे किसका राज है? भारत का 95% जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो चाइना के हाथ में है। सिर्फ आपके पास अपना कौन है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मात्र 5% कैपेसिटी है पूरे शिपिंग पे। अगर आप इसकी बात करोगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बड़ी-बड़ी शिपिंग कंपनी है वो सारी चाइना की है? जी हाँ, चाइना की हो गई या चाइना की सब्सिडियरी कंपनी होगी। मान लीजिए कि देखिए शिपिंग लाइन को लेकर के सिंगापुर का रूल काफी फ्लेक्सिबल है, तो 90% जो कंपनियां हैं सिंगापुर में रजिस्टर्ड होती है और उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं चाइना बैठा हुआ है, फंडिंग उसकी चाइना से आती है बिल्कुल, तो वो हम एक तरह से उसको चाइनीज ही कंपनी बोलेंगे, अप्रत्यक्षित और प्रत्यक्षित रूप से वो चाइना की ही होल्डिंग कंपनियां हैं। तो 90% देखे कि जब आपको सरकार के ऊपर इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है शिपिंग इंडस्ट्री पे, कि एक ही आपके पास शिपिंग इंडस्ट्री है, जबकि आपके पास कम से कम, अगर चाइना के बाद अगर आप दूसरा कंट्री बनना चाहते हैं तो कम से कम 50-60% तो कब्जा करना चाहिए अपने शिपिंग इंडस्ट्री पे। वो भी जैसे चाइना में कुछ होता तो पूरी शिपिंग हो जाती है पूरा। अब आप देख लो कि एक चाइना से कोविड स्टार्ट हुआ था और पूरा विश्व को हिला के रख दिया शिपिंग के मैटर में। जो हम लोग फ्रेट $500 में चाइना से लेके आते थे, आज 7.5 लाख रुपए है, ये लोग मानने को तैयार। मैंने बंद कर दिया, आप लिटरली अगर मेरे से पूछो तो मैं कम से कम 30-40 कंटेनर पर मंथ फॉरवर्डिंग करता था, जबकि मैं नॉर्मल वहां के एजेंट से रेट लिया, अपने एजेंट को कोट किया और उसपे $100-$50 रख के मैंने भेज दिया और बड़े हंसी खुशी से क्लाइंट ले लेते थे। अब आप ये सोचिए कि जो कंटेनर मैं 1.5 लाख रुपए में यहाँ पे ला के पार्टी को दे देता था, अब उसी कंटेनर का 7.5 लाख मांगना, मतलब मैंने बंद ही कर दिया काम। मेरे से क्लाइंट फोन करते हैं कि पांडे जी इसका रेट दे दीजिए, ये रेट दे दीजिए। मैंने बोला कि सर मैंने काम ही बंद कर दिया, मैं वो काम ही नहीं करता, क्योंकि देखिए इसका सॉल्यूशन हम जिस क्लाइंट से बार बार बात कर रहे हैं उसको ये रेट देंगे, तो हालांकि मार्केट में रेट चेंज हो चुका है, उनकी वो माइंडसेट हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा दिल गवारा नहीं करता कि हाँ जी अब इतना हाई रेट में काम करें। मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि इंपोर्ट को जितना हो सके आप फिलहाल अवॉइड कीजिए, आप क्योंकि सिचुएशन उस हिसाब से नहीं है और मार्केट में हो सकता है रेट बढ़ने में भी टाइम लगेगा धीरे धीरे, जो प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं क्या होता है एंड ऑफ द यूजर को ही वो सारा
प्राइस झेलना पड़ता है। तो अगर हमारी जो लड़ाई है वो चाइना जैसे देशों से है, मतलब लड़ाई अभी तो वैसे तो काफी दूर है, बट हम काफी अच्छे प्रोग्रेसिव नहीं, लड़ाई का मतलब ये हो गया कि मतलब बिजनेस वॉर कह कॉम्पिटिशन जो है, अगर हमें अगर आगे आना है, हमें अगर आगे आना है तो एक ही फोकस है, हमारे युवाओं को बेहतर करना होगा नॉलेज के मैटर में, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शिपिंग वगैरह में, जैसे कंटेनर वगैरह बढ़ाने में, जब इतना हाई तवा मचा उसके बाद जाकर के रिलायंस या अडानी को दिया गया कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का, ये पहले ही दे देना चाहिए था, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सरकार का जो कार्य है सराहनीय है अभी अभी के जो गवर्नमेंट का, लेकिन बहुत चीजें बदलनी है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम किसी दूसरे कंट्री की बात करें, चाइना की बात करें, बहुत से आइटम पे फ्लैट 17% ड्रॉबैक दिया जाता है। अच्छा, फ्लैट 17%, फ्लैट 17%। मैं चाइना गया हूँ, मुझे पता है, मैं ये चीज़ आपको हमारा हाईएस्ट ड्रॉबैक कितना है, मेरे ख्याल 7% ड्रॉबैक के ऊपर नहीं, अभी जो रॉटे में दिया 4.5%, हाँ इतना ही होता है एमईआईए से, ये सब कुछ मिला के 4-5% अगर मैक्सिमम 4%, नहीं तो 1%-1.5% है। तो वहां भी सरकार को थोड़ा सा उसमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, ऐसा होगा तभी हमारे युवा, ये है ना कि फिर सर ड्रॉबैक बढ़ा दे तो कितने सारे हमारे दूसरे लोग हैं क्या। हाँ, जैसे 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 सीता निर्मलम जी जैसे ज्वाइन की थी, 5,000 एक्सपोर्टर को बैन किया था, वो लोग फिर जीएसटी में घपला करने लगे। तो देखिए, जो वो गलत काम करने वाले हैं, निकालने वाले तो लोग, हाँ जो गलत काम करने वाले, उसके चक्कर में ना जो हमारे यूथ है, जो जनरल जो सही काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। तो सर इस टाइम पे आप मतलब आपने सीएचए का काम एक तरह से मतलब बंद कर रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो इस टाइम पे कोविड के चक्कर में डिस्ट्रप्शन चल रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन खत्म हो चुका है, तो आपका पूरा फोकस इस टाइम पे ऑक्शन पे है। ऑक्शन से रिलेटेड कुछ भी करना है तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं, मैं नीचे इनको टैग कर ही दूंगा, आप वहाँ जाके इनके चैनल को देख सकते हैं। और ऑक्शन से सारी रिलेटेड जितनी, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे अगर आपको ऑक्शन के बारे में कोई बताने वाला है तो धीरज सर है, उसके अलावा कोई नहीं।